मगज भाई, स्टेट ऑफ डिप्रेशन से ही आगे लेके चलेंगे। मेरा सवाल ये है, क्योंकि इस चीज़ में बड़ा क्यूरियस होता हूँ, हर किसी की डिप्रेशन की स्टोरी थोड़ी अलग होती है। आपके लिए इन ऑल दोज हाईज एंड लोज, और जो आपने वो 5 साल या 4 साल आइसोलेशन के आप कह रहे थे आपने फील किया, सबसे बिल्कुल. अलग हर चीज़ से जुदाई होती है, उस स्टेट में और उस टाइम में वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसे आप ये चीज थी वो, ये चीज थी एक रे ऑफ होप कहेंगे. पढ़े रहने दो मेरी थी, उसको वहीं पढ़े पूरा रहने नजर आ दो, इधर रहा हाँ सामने रख दो, अब चीज़ सामने आ गई है। है. चलो तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको हेल्प किया? एक ट्रिगर होता है ना हर किसी को कि यार इसको लेके बंदा निकलता है आइसोलेशन से, अपनी एक डिप्रेशन की दुनिया से। बिल्कुल. तो आपके लिए क्या थी वो चीज़? म्यूज़िक, म्यूजिक। क्योंकि म्यूज़िक बचपन का पैशन है. जो बात है, क्योंकि म्यूज़िक से मतलब मेरा ऐसा ताल्लुक है कि म्यूज़िक मतलब समझो म्यूज़िक ज़िंदगी है और मैंने मेरी. सुना आप म्यूजिक खुद लिखते हैं, हाँ, मैं म्यूज़िक खुद लिखता हूँ, मैं लिरिक्स खुद लिखता और हूँ, मैं एक राइटर हूँ, आज हमें आप मैं सुनाएंगे एक भी गाना बिल्कुल अपना ज़रूर कोई सुनाऊँगा. और जब मैं आप वो बुरे पैच में थे तो म्यूजिक आपका छूट भी गया था, जब मैं बुरे पैच में थे बहुत बिल्कुल जब मैं बुरे एक्सट्रीम पैच में जब। था, ये हाँ म्यूज़िक से मैं कट ऑफ हो गया था. तकरीबन 5 से 6 साल नो म्यूज़िक. मैंने इवन गिटार तो था ही नहीं मेरे पास, समझो. तो मुझे ये बताएं कि आप यू फाइंड योर सेल्फ इन अ डिप्रेस स्टेट, आप डिप्रेशन में, और वन वे और दी अदर म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, तो म्यूज़िक को परसू करने में वो आपका जेन का क्या प्रोसेस था कि आपको डिप्रेशन से बाहर लाया, बुरी आदतों को सब्स्टिट्यूट किया म्यूज़िक ने, और वो जो अंधेरे में जो बल्ब आप कहते हैं कि जलना था वो म्यूज़िक बन गया, तो वो प्रोसेस क्या था जहाँ पे म्यूज़िक ने सब्स्टिट्यूट हुआ डिप्रेशन के लिए और सब कुछ, वो ज़रा. अब मैं अपनी बात बताऊं जी तो ये है कि मुझे तो प्रूफ करना है किसी को. अच्छा. हाँ, एक तो प्रूफ करना है, उस प्रूफ अब वो समझो किसी को जो प्रूफ करना है वो सिर्फ 20% है मेरी नज़र में अब, ठीक है. लेकिन बाकी जो 80% है वो मेरा पैशन है और जिससे मुझे खुशी मिलती है. ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जो अंदर मेरे ख्यालात हैं, जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं, जो जो मतलब मुझे पता है, जो जो लोगों को एक तरह से मैं बता सकता हूँ, तो वो मैं अपने म्यूज़िक से बताऊँगा. मतलब एक क्रिएटिव तरीके से मैं उनको, पहले तो लिरिक्स लिखता हूँ, जो उनको एक आपका बनाना, एक्सप्रेशन है, आपका एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन मेरा म्यूज़िक है. ठीक है, तो ये मेरी अब खुशी है सारी म्यूज़िक, क्योंकि मैं जब ये करता हूँ तो मुझे खुद खुशी होती है कि मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मुझे मतलब एक खुशी होती है. और खुशी आप इससे मुझे लगता है आप शेयर भी करते हैं, खुशी लोगों के बिल्कुल साथ ही शेयर भी शेयर करते करते हैं हैं. खुशी तो मंकश शेयर भाई, करेंगे. फर्स्ट टाइम एवर बिल्कुल, ऑन बुलबुल कन्फेशंस, एक लाइव परफॉर्मेंस है मंकश इस गाने भाई को भी आपने नाम की. मंकश भाई, कोई गाने का भी दिए, थोड़ा हिस्ट्री बताएं, ये क्या है, ये बैकग्राउंड किस बताएं तरह गाने आया, का? वो गाने का अच्छा, किस बैकग्राउंड टाइम पे बताएं लिखा बस. आपने, क्यों लिखा, थॉट ये प्रोसेस गाना क्या मैंने था? लिखा है जब जुदाई हुई ब्रेक, यू ठीक नो है, ठीक है. होता है हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी ऐसी है, ऑफ कोर्स जुदाई ही होती है तो गाना लिखते हैं, मेरा जहाँ तक तो ख्याल है. मिलाप में आप कह रहे हैं गाना नहीं हो सकता, मिलाप में हो सकता है, उसमें अलग किस्म के वो गाने अलग लगते टाइप का हैं. होगा, हैदर तो भाई ये वो अलग कब टाइप के का होगा. कितना पुराना गाना है, नाम क्या है इसका, नहीं पुराना नहीं और है ये, बिल्कुल नया आप नया थोड़ा गाना सा है ये सीट को तकरीबन, खींच के आगे करें, ये माइक को थोड़ा नहीं माइक को बात, भी थोड़ा ये ये कर तकरीबन देते. जो है गाना, पक्की बात है, बहुत हाँ हाँ गिटार भी आया सही हुआ है, है, ठीक है. नाम क्या ये मंकश भाई गाने गाना का सोचा नाम तो आपने, बता नाम को ही दें. गाने का? हाँ, गाने का नाम है जिंदा हूँ अभी. ठीक है, गाने का नाम है जिंदा हूँ अभी, और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी यही है कि जब हमने पहली बार उनको देखा तो आँख मचोली हुई, प्यार हुआ, मुस्कुराए, हमें समझ आ गई. सही है, उसके बाद फिर ये शुरुआत की कहानी, फिर थोड़ा सा डिप्रेशन वाली साइड आएगी, यू नो, जब छोड़ा, साथ छोड़ा, फिर दिल ने रास्ता मोड़ा, ठीक है, फिर भी साथ नहीं दे रहा छोड़ा, क्योंकि सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो वही है, ठीक कैसे है. भूल सकते हैं. ठीक है, इस तरह करके तो मैं अब सुनाता हूँ, ठीक है, आप रिलेट करेंगे अब. मंकेश भाई, ये क्या हो रहा है? मंकेश भाई का ये अभी गिटार जो जमीन पे इसने जो है वो गिरा है ना, गिटार ट्यून हो रहा है, सॉरी मंकेश
अंकुश भाई, ये सुनाया हुआ आपने उन्हें गाना या नहीं? जिनके लिए गाना लिखा गया था, या आपने उन्हें सुनाया हुआ या नहीं आज सुना दे? आज सुन लेंगे, ये डिपेंड करता है सुने चले या। अंकुश भाई हो जाए। देखा पहली बार तुझे मैंने देखा, बेकरार वो नजरों से देखा, बेहिसाब उस तड़पन में देखा, आहा दिन वो आज भी याद है मुझको, मुझको भाई को याद आ रहे कुछ। That was it.
अरमान मंकश जिंदगी को जंग समझते हैं और हार नहीं मानते, तो यस ब्यूटीफुल कमबैक स्टोरी। थैंक यू एक और यार चीज़, सो एक मच, और थैंक चीज़ यू सो छोटी मच। इम्पोर्टेंट है, इसका कोई लिंक शेंक कहीं है किसी को अगर ये अभी चाहिए न्यू हो? एयर पे इंशाल्लाह अपलोड होगा ऑल मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाय द टाइम हम इसको पोस्ट करेंगे तो तब तक इनके लिंक्स आ जाएंगे, तो हम डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह में लिंक्स भी इंशाल्लाह। डाल देंगे जो आपको फॉलो करना चाहिए। इसपे नहीं, अरमान, इसी पे काम हो रहा है आजकल, अच्छा इसी इसी पे पे काम काम हो हो रहा रहा है, है, मैं इसी पे काम हो रहा है बेसिकली। टीज़र टाइप ही मिल जाएगा, नो मसला, तो अरमान मंकश बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया और भाई। जब मर्ज़ी आप वापस आना चाहें आप आएँ, और सबसे ज़्यादा खुशी इसी हाजिर बात की है कि ज़िंदगी में आप लोगों की स्ट्रगल्स को जानते हो और फिर आप ये समझते हो कि वो बंदा हार नहीं मान रहा, तो आपको अपने लिए थोड़ी ज़्यादा जान मिलती है, जान तो मिलती है, थैंक यू। एग्जैक्टली ऐसा ही हाँ है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू नॉट गिव अप, गिव क्योंकि अप तो कोई हल ही नहीं है ना यार, ये चीज़ें देखो आपको वेरी ऑनेस्टली टू द ब्रिंक ऑफ एन एंड भी ले जाती हैं। काफ़ी लोग हैं जो हार मान के यार, हार देखो मान जाते हैं। जिंदगी ऐसी चीज़ है ना, अगर आप जिंदगी को यूं नहीं पकड़ोगे ना तो जिंदगी आपको यूं पकड़ और लेगी। मंकश ने अभी बहुत हल्का हाथ रखा है, मंकश हाँ एक्चुअली काफ़ी तारीकियों से गुजर के हमारे हाँ साथ आज यहाँ पे बैठा हुआ है बाकी। ऑफ कोर्स, अच्छा अब वो आपको पता हाँ, है। और तो विल जॉब, मतलब जॉब विल डन, जॉब विल बिल्कुल डन, इंशाल्लाह। विल जॉब ओके बॉयज।